शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये रही तुम्हारी बंजारा बस्ती। कितने पैसे हुए? जाओ, माफ किया। अरे पी रखी है क्या? आज गोवा में किंग मोमो का राज है, सब पी रहे हैं। तुम भी पियो, पियो। Shut up, you rascal. Me rascal? No, Pascal. My name John Pascal. My home, Gata. My home. P.K. Shri. आइए सर। मिस्टर श्रीवास्तव, आप कौन हैं? खैर कोई भी हो, केस क्या है? खैर कोई भी केस हो, हम उसे सब सॉल्व कर देगा। इस एरिया का सबसे बड़ा एडवोकेट बी के हैया हैया श्रीवास्तव बी ए LLB हाई कोर्ट। मैं केस लेके नहीं आया हूँ, आप बता सकते हैं कि ये दिलरुबा कहाँ रहती है? दिलरुबा? अरे वो जालिम हमारे दिल में रहती है, गिलास में रहती है, बाटल में रहती है। दिलरुबा, ये धुन तो अमर भैया बजाते थे, कहीं ये बबलू तो नहीं? मुन्ना, तुम्हारा नाम क्या है? बबलू। बबलू, हम तुम्हीं से मिलने आए हैं। आप कौन हैं? ये तुम्हारे अंकल हैं बेटे। अंकल? और हम तुम्हें लेने आए हैं। अरे अरे सुनो बबलू, अरे कौन हो जी तुम जो यहाँ कर रिश्तेदारी जताने लगे? ये ठाकुर पवन कुमार जी हैं, बबलू के चाचा और अमर कुमार जी के सगे भाई। ओ, सगे भाई, अब तक कहाँ मर गए थे? ए लड़की, तमीज से बात करो। दीदी, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ, मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ। घबरा मत, तुम अंदर जाओ, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, जाओ। देखिए, आपने बबलू की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की, इसलिए हम चाहते हैं आज तक आपका जितना रुपया बबलू पे खर्च हुआ हो आप हमसे ले लें। इसके अलावा अगर आपको और भी रुपया चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। आप सरमादार लोगों की जिंदगी में तो रुपया ही सब कुछ है, मगर ये मत भूलो, प्यार और मोहब्बत जैसे इंसानी रिश्तों को रुपयों से नहीं तोला जा सकता। बबलू हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और उसे दुनिया की कोई भी ताकत हमसे जुदा नहीं कर सकती, समझे? बबलू हमारा खून है, उसे हमसे भी कोई जुदा नहीं कर सकता, समझी? तुम बबलू को नहीं ले जा सकता, कभी नहीं ले जा सकता। हमें बबलू को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बोले? कोई नहीं रोक सकता, अजी हम पूरे बस्ती वाले मिलकर रोकेंगे, समझे? गुंडागर्दी करोगे क्या? अरे जरूरत पड़ी तो इससे भी पीछे ना हटेंगे। ए मिस्टर, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम अमर के भाई हो? ये खत जो अमर कुमार ने अपने हाथों से लिखा है। खत से काम नहीं चलेगा, बबलू को ले जाने के लिए कोर्ट के ऑर्डर भी चाहिए। है? वो भी आ जाएगा। MGM, come on। अगर जरा सी भी शर्म होगी तो वापस नहीं आएगा। वो आएगा और इस बार कानून का सहारा लेकर आएगा, क्योंकि जो खत उसके पास है ना, अमर के हाथ का लिखा हुआ, वो किसी वसीयतनामे से कम नहीं है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यहां तक बीक है श्रीवास्तव एडवोकेट हाईकोर्ट भी नहीं। अगर वो खत गायब हो जाए तो? फिर तो उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर नाथ, आप फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द अपने भतीजे को हासिल करना चाहता हूँ। That's right. क्या मैं वो खत देख सकता हूँ? Oh, sure. Oh my God, मेरा पर्स कहाँ गया? क्या वो खत आपके पर्स में था? जी हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। I am sorry, Mr. Pawan. बगैर उस खत के आप अपने भतीजे को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो खत ही इस बात को साबित कर सकता है कि बबलू आपका भतीजा है। सर, घर का कोना कोना छान मारा, खत का कहीं पता नहीं चला। What? मैं कहता हूं मैं बड़े काम का आदमी हूं। सर, ये टकला यहां क्यों आया था? ये बताने कि वो खत उस दिलरुबा की बच्ची के पास है, उसने उसे कहीं छुपा रखा है। तो क्या
ठाकुर साहब को इस बात की खबर कर दें? नहीं, हम अपने आप को पिताजी की नजरों में गिराना नहीं चाहते। हमारे खानदान का एक असूल ये भी है कि जो काम हम अपने हाथ में लेते हैं उसे जैसे भी हो पूरा करके रहते हैं। तो फिर अब क्या इरादा है? इरादा? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आई विल रन आउट। पवन साहब, गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से काम लीजिए। हाओ हाओ। देखिए सर, आपने दौलत की लालच दी, वो काम नहीं आई। आपने पुलिस की धमकी दी, वो भी बेकार गई। अब तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया सर, और वो रास्ता है प्यार का। आप दिलरुबा के ऊपर अपने प्यार का जादू चलाकर ही वो खत हासिल कर सकते हैं सर। प्यार? व्हाट नॉनसेंस! तुम हमें अपने खानदान की परंपरा के खिलाफ जाने के लिए कह रहे हो? नहीं सर, मैं आपके खानदान की परंपरा को बचाने के लिए कह रहा हूँ। देखिए किसी ने क्या खूब कहा है, जो काम न दौलत से निकलते देखे, जो काम न ताकत से निकलते देखे, जिन कामों के करने से है दुनिया आजिज, वो काम मोहब्बत से निकलते देखे। मोहब्बत? जी नहीं, मोहब्बत का ढोंग। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। You mean like this? Yes! वाह! अरे वाह, अरे राजा वाह, क्या आवाज पाई है, है? अरे सारी बस्ती ने चुंबक पत्थर की तरह खींच लिया तूने। आज तो इसके गाने से कॉकटेल का मजा आ गया। बाबा 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 बाबा, क्या सुरीला आदमी है भाई। ये देखो, इसको बोलते हैं आवाज का जादू। सब ऊपर वाले की माया है। एक बात बताइए, यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल सकती है? अजी एक रात की के पूछो, हम सारी उम्र यही बिराजो और मारी तवा खोल लिखा लिपड़ी है। बस हम सब ने एक गाना रोज सुना दीजो। यहाँ के लोग गाने बजाने के बहुत प्रेमी हैं। हम भी प्यार के ही भूखे हैं दोस्तों, जहाँ प्यार मिले वहीं के हो रहते हैं। लगता है हमें यहाँ भरपूर प्यार मिलेगा। लगता है तुम्हें कहीं देखा है। सपने में देखा होगा, अक्सर लड़कियां हमें सपने में देखकर ऐसा ही कहती हैं। ओहो, इतना घमंड, किस देश से आए हो? हम तो आजाद पंछी हैं, हमारा देश ये सारा ब्रह्मांड है। वैसे हम झुमरी तलैया की पैदावार हैं। सुना है झुमरी तलैया के तोते बहुत मशहूर हैं। वैसे आपका नाम क्या है मियां मिट्ठू? अजी गुलाब को किसी भी नाम से पुकारिए, गुलाब ही रहता है। वो ऐसे बंदे को आशिक कहते हैं। आशिक? जी हाँ, आशिक। आपका शुभ नाम? बीके, जरा इस आशिक को बता हमारा नाम क्या है। अरे तुम इन्हें नहीं जानते? ये दिलरुबा है, दिलरुबा, गोवा की मशहूर मारूफ सिंगर और डांसर। होंगी? होंगी नहीं हूँ। अगर तुम इनकी संगत में रोगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। संगत हम उन्हीं से करते हैं जिनसे हमारा दिल मिल जाए, और अभी हमारा दिल इनसे मिला नहीं। चलिए पहलवान जी, हमें हमारी खोली दिखाइए। क्या समझता है अपने आप को? यो रे थरा हवा महल है भाई। वैसे यहाँ तक किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, इसे अपना ही घर समझिए और जब तक जी में आवे उड़े ठाट से पढ़ा रहो। है भाई, इब तू सो जा, मैं तेरा बिस्तर लगा दूँ। अरे पहलवान जी, आप ये क्या कर रहे हैं, मैं खुद ही लगा लूंगा। आपके सवा महल का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, तो फिर मैं चलता हूँ। तो तने किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मैंने आवाज दे लीजो। आज झिझकी हो मत थी। बिल्कुल नहीं। तो बोल राम राम। राम राम। हाँ, बढ़िया। वाह श्री बेटा, कहाँ फंस गए। वाह क्या कमरा है। यहाँ तो नींद आ चुकी आशिक बेटा, ये खोली है या कीड़े मकोड़ों का खाड़ा। साला MGM।
कौन है? तेरा बाप। सर आप? मुझे नर्क में झोंक कर खुद गधे पे सो रहा है। उल्लू का पट्टा। सर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। शट अप। चूहे, खटमल, मच्छर, कॉकरोच सब भरे वहाँ पर, मैं वहाँ नहीं रह सकता। पवन साहब, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी करनी ही पड़ती है। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? हमने अपनी मूछें तक मुनवा दी, अब अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे? सर वो सब तो बात की बातें हैं, लेकिन अभी आपको बस्ती वालों की तरह बनकर ही रहना पड़ेगा, तभी तो हमारा प्लान कामयाब होगा। ठीक है ठीक है, हम रात को यहाँ रहेंगे और सवेरे सवेरे नहाकर चले जाया करेंगे। नो सर, नो सर, आपको दिन को ही नहीं रात को भी वहां रहना पड़ेगा और वही नहाना पड़ेगा। पर वहां बाथरूम कहाँ है? हम नहाएंगे कैसे? जैसे सब बस्ती वाले नहाते हैं सर, खुले मैदान में, नल के नीचे। खुले मैदान में? यस सर। सबके सामने? यस। नो 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 नो। यस 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 सर। आपने कभी बस्ती वालों की सेहत देखी है? ये सब खुले मैदान में नहाने का कमाल है सर। हम लोग तो बाथरूम के दरवाजे बंद करके सिर्फ एक ही बात लेते हैं ना, वाटर बात। लेकिन ये लोग तो एक साथ तीन तीन बात लेते हैं सर, वाटर बात, सन बात, एयर बात। आपकी भी सेहत बन जाएगी सर। अरे घास खा ले, तेरा गरम गरम दूधा सीखने पियाऊंगा। अरे पानी, अरे पानी, गया पानी। अरे कोई है? अरे तू अभी नया नया है ना आशिक, तू इसे नहीं जानता, ये नल तो बड़ा नखरे वाला है। अरे एक बाल्टी पानी दे दो। अरे कोई पानी दे दो। अरे तू नहीं जानता इसे, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मारते। शुक्रिया पहलवान जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।